अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अन्य देशों से संबंध सुधारने और मजबूत करने की दिशा में पहल शुरू कर दी है। इसी कड़ी में डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर बातचीत हुई। रूस ने दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत की जानकारी देते हुए बताया कि दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में काम करने को लेकर सहमति हुई है। साथ ही दोनों देशों ने विश्व शांति के प्रयासों में सहयोग देने की बात की। इस बातचीत के दौरान दोनों ही नेताओं ने माना कि मौजूदा समय में दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहद निराशाजनक दौर में है। इसकी एक अहम वजह है सीरिया। आपको बता दें कि अगले साल दोनों देशों के राजनयिक रिश्तों को 210 साल पूरे हो जाएंगे। वहीं बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे की जमकर तारीफ भी की। इससे पहले ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी बातचीत की और जल्द ही दोनों के बीच मुलाकात होने की संभावना जताई जा रही है। यह आपको बता दें कि इससे पहले ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी फोन पर बातचीत की थी और बताया जा रहा है कि जल्द ही दोनों के बीच मुलाकात हो सकती है। देखते रहिए डीबी लाइव।